बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। और ये देखिए कि जो वोट परसेंटेज है वो भी 35-35 पर बराबर चल रहा है। देखिए मैंने शुरू से भी कहा कि कांटे का टक्कर तो है ही, लेकिन अभी भी आप देखिए बिल्कुल सही कहा, दो तीन चार राउंड चल रहा है। अब मैं समझता हूँ कि लगभग 10-14 राउंड के आसपास में शायद होता है, तो हमको लगता है कि वक्त थोड़ा इंतजार किया जाए। और हम अभी भी कह रहे हैं कि मुझे यकीन है अपने बिहार पर। एक बात बताइए, लोकसभा चुनावों में तो एनडीए को जबरदस्त बढ़त थी, कहीं सीन में ही नहीं थी, कोई टक्कर में ही नहीं था ये महागठबंधन, ना आरजेडी ना कांग्रेस, ये अचानक से विधानसभा, इसका मतलब ये मोदी जी का चुनाव होता तब तो सब ठीक है, नीतीश जी के खिलाफ ही है जो है। देखिए कुछ शगुफे तो छोड़े गए, उसका भी असर तो है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 10 लाख रोजगार मिले कहां से लाके देंगे, तो नौजवान की बातों में आया, इसमें दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ। जो भीड़ आप देख रहे थे और भीड़ की तुलना अगर तुलना करें तो इनको 200 सुपर सीटर देंगे, लेकिन भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हुई, उसका एक असर पड़ा। और दूसरी बात है कि अलग अलग जो लड़े भी तो वोट तो बटा, जैसे 5% आप दिखा रहे हैं उनका बटा, 35% आप बता रहे हैं कि आप हमको दोनों दोनों को मिल रहा है, तो ये तो क्लोज कंटेस्ट तो है ही, इसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन सबके बावजूद आज कई चैनलों दिखा के 70 सीट ऐसी हैं जहाँ पे एकदम क्लोज फाइट हो रहा है, हम उस पर भी निगाह है, तो हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन समझिए आपको थोड़ा सा और इंतजार किया जाए और आप खुद ही बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। और आपके चैनल दिखाई रहा है, हम सरकार हर हाल से बना रहे हैं, मादी जो भी हो होना चाहिए, मेरे हिसाब से 150 के आसपास में जेडीयू एनडीए को सीट मिलना चाहिए, अभी भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। या अभी तो अभी रुझान आने बाकी हैं, लगभग 17 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन जिनके रुझान आ भी रहे हैं वो भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। आशीष जी 109-108 और 35-35% पे वोट डिवाइडेड। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, आशीष जी आपको अनुराग मुझे बुला रहे हैं। जी अनुराग क्या खबर? किशोर महत्वपूर्ण जानकारी कि जो आपको जो गठबंधन जो तेजस्वी के समर्थन में आरजेडी गठबंधन जो आपको नजर आ रहे हैं आंकड़े, उसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान है लेफ्ट पार्टीज का। कुल मिलाकर लेफ्ट पार्टीज 13 सीटों पर लीड कर रही है। पिछली बार की विधानसभा अगर आप देखें तो 3-4 सीटों पर थी लेफ्ट पार्टी, बहुत ही स्ट्रांग होकर उभर रही है। अगर उससे कंपेयर किया जाए 13 सीटों पर फिलहाल लेफ्ट पार्टीज लीड कर रही है। और जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं इमामगंज से, इस पर क्या कहेंगे अफजल अब्बास साहब? मिसाले सनम उनका तो हो गया बेचारे का, आप चूंकि अब तो जमीन पे काउंटिंग में भी रहा है, कई बार काउंटिंग जाने का मौका मिला तो सीट टू सीट वैरी करता है। वो फुट टू फुट तो कभी कभी होता है कि एक सेगमेंट खुला उनके पक्ष का हुआ, दूसरा पक्ष हुआ, तीसरे पक्ष हुआ, तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन जीतन राम मांझी एक बड़े नेता है, दावा देता है और हर हालत में चुनाव जीतेंगे, अभी शुरुआती रुझान है, आगे आगे देखा जाए। ये देखो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है उनका हारना, मुश्किल है, आपको लगता है कि वो जरूर जीतेंगे?